तो हेलो गाइज, आई एम स्यूम एंड यू आर वाचिंग टेक फॉर मच। और फाइनली दोस्तों, पोको का ब्रांड न्यू पोको F4 5G स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की। क्या यह एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है कि नहीं है? शुड यू बाय दिस फोन और नॉट? क्या आपको यह फोन बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दोस्तों मैं आपको बता दूं, पोको Xiaomi की ही एक पेटेंट कंपनी है और यह काफी ज्यादा सक्सेसफुल कंपनी रही है, क्योंकि इसने कुछ ही सालों में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। पोको का फर्स्ट स्मार्टफोन पोको F1 था, जिसको कस्टमर ने काफी ज्यादा बाय किया था। एक मिड रेंज के वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन प्रोवाइड करने के लिए जानी जाती है। अभी तक इसने जितने भी फोन लॉन्च किए, सभी वैल्यू फॉर मनी और एक अच्छे स्पेसिफिकेशन के स्मार्टफोन रहे हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे इस फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की, और इसके बाद मैं इस फोन के कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा, और फिर लास्ट में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा, should you buy this phone or not। दोस्तों यह फोन 6.65 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है, और इसको आप 60 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज में एडजस्ट भी कर सकते हैं। यह फोन दोस्तों 4500 एमएच की बैटरी और 67 वाट के सोनिक चार्जर के साथ आता है। और पोको ने अपने चार्जर को सोनिक इसलिए कहा क्योंकि यह स्मार्टफोन 11 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाता है। और दोस्तों पोको का पहला स्मार्टफोन है जो कि सबसे ज्यादा पतला स्मार्टफोन बताया जा रहा है। तो आपको पोको के जितने भी स्मार्टफोन मिलेंगे, उन सभी में सबसे ज्यादा पतला यह स्मार्टफोन है, यानी इसे आप पोको का फर्स्ट स्लिमेस्ट स्मार्टफोन भी कह सकते हैं। यह फोन दोस्तों स्नैपड्रैगन 875G प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि स्नैपड्रैगन का काफी अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। और यदि आप इस स्मार्टफोन में मल्टीमीडिया टास्किंग करते हैं, हाई क्वालिटी में गेमिंग खेलते हैं, तो आप आसानी से इस फोन में खेल सकते हैं। इसमें आप पबजी को अल्ट्रा HD में भी खेल सकते हैं। तो यह फोन आपके लिए मल्टीमीडिया टास्किंग और गेमिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट फोन होने वाला है। दोस्तों इस प्राइस रेंज में जितने भी स्मार्टफोन आते हैं, उनका बैक साइड पॉलीकार्बोनेट का बना होता है, लेकिन इस स्मार्टफोन में आपको बैक साइड पूरा ग्लास में मिल जाता है। दोस्तों पोको का पहला स्मार्टफोन है जिसमें OIS का सिस्टम आता है, जिसे हम ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी कहते हैं। मतलब यदि आप इस स्मार्टफोन से वीडियो शूटिंग करते हैं और आपका मोबाइल थोड़ा हिल भी जाता है, तो इससे आपका वीडियो हिलने वाला नहीं है। OIS क्या करता है कि दोस्तों आपके वीडियो में जितना भी मूवमेंट होता है, उसको यह स्टेबलाइजेशन में करने की कोशिश करता है। दोस्तों इस फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, मतलब इसमें नीचे और ऊपर दोनों तरफ स्पीकर लगे हुए हैं, जिससे इसकी ऑडियो क्वालिटी में चार चैनल लगने वाले हैं। इस फोन में आपको ऊपर साइड में एक IR रिमोट सिस्टम मिल जाता है, जिससे आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस AC TV किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यह फोन दोस्तों IP53 की रेटिंग साथ आता है, मतलब इसमें हल्का फुल्का यदि पानी भी चला जाता है, तो इससे आपका फोन खराब होने वाला नहीं है, लेकिन इसको आप फुल वाटर प्रूफ नहीं कह सकते। यह फीचर क्या करता है कि हल्का फुल्का यदि आपके स्पीकर से आपके स्मार्टफोन में पानी चला जाता है, तो उसको आपके इंटरनल मोबाइल से अवॉइड करने की कोशिश करता है। इस फोन में आपको बैक साइड और फ्रंट साइड में गोरिल्ला ग्लास 5 की कोडिंग मिल जाती है, यदि आपका फोन कभी गिर भी जाता तो जल्दी यह टूटने वाला नहीं है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरे की। तो दोस्तों इस फोन में आपको बैक साइड में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, जिससे आप काफी अच्छी क्वालिटी में वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं, और इसमें आप 4K वीडियो तक को भी शूट कर सकते हैं। और दूसरा कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है, और ये भी कैमरा काफी अच्छी क्वालिटी में वीडियो को कैप्चर करता है। तो यदि आप माइक्रो में भी कोई इमेज को शूट करना चाहते हैं, तो आप माइक्रो कैमरे से भी अच्छी खासी पिक कैप्चर कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, पोको के F सीरीज के जितने भी स्मार्टफोन होते हैं, उनको बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ही बनाया जाता है। पोको की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सीरीज F सीरीज ही रही है, जिसमें हाई क्वालिटी के परफॉर्मेंस के साथ एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन प्रोवाइड करते हैं। इस फोन का बेस वेरिएंट 8GB रैम 128GB स्टोरेज आपको 20,999 यानी 21,000 रुपए का मिल जाता है, जिसमें यदि आप बैंक के कार्ड लगा देंगे, तो फोन आपको 19,500 या 20,000 में पड़ जाएगा। तो ये था दोस्तों इस स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन। अब दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की। दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू में मुझको सबसे बेस्ट इसका प्रोसेसर लगता है। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन का 870 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर माना जाता है। पोको का पहला ऐसा स्मार्टफोन आया है जिसमें OIS का सिस्टम है, तो आप यदि वीडियो शूटिंग करते हैं, तो आप एक अच्छी वीडियो शूटिंग कर सकेंगे। और इसके साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको 120 हर्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है, जिसे आपके नॉर्मल या डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, जिसे चलने में काफी ज्यादा स्मूथ लगता है। और जब आप इस स्मार्टफोन को बाय करेंगे, तो आपको YouTube प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, मतलब आप YouTube के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही डिस्ने प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, तो आप 2-3 महीने आराम से इसका एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों इस स्मार्टफोन को कुछ प्रोज जो मुझको बहुत अच्छे लगे। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कॉन्स की। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें मुझको कोई भी ऐसी कमी नहीं लगी। तब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के और भी कुछ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप 21,000 में एक अच्छा फोन बाय करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको इस फोन को बाय करना चाहिए, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें काफी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, और ये मुझको वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन लगा। इसमें आप अच्छी खासी गेमिंग भी कर सकते हैं, अच्छे खासे वीडियो शूट भी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो को काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे स्मार्टफोन के रिव्यू लाता रहता हूँ। और मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।